सब जांच का विषय आपके सामने बहुत सी चीजें, आप इस जिले के सब मीडिया बंधु हैं और खबरें जो जिस इश्यूज को मैंने रेज किया था वो इश्यू पहले से ही यहाँ पे लोग, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के एनजीओ रेज कर रही थी। और आपको देखे होंगे हमारी अरेस्टिंग के बाद से उसी प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने मेरे ऊपर एफआईआर कराई थी उसको यहाँ के एक सीर ने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी गुणवत्ता जो है गुणवत्ता पर काम नहीं कर रहे हो। 10 तारीख को हमारी गिरफ्तारी हुई, 14 तारीख को एक सीन को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली, कुछ गड़बड़ी तो चल रही थी। हमने वही बात तो कहा था बुला के, लेकिन उसको स्वरूप दूसरा दिया गया, कुछ लोग अपनी चीजों को बचाने के लिए। और कंपनियां जो मुनाफा कमा रही होती हैं, जनता का पैसा लूट रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हथकंडे अख्तियार करती हैं और यहां के अधिकारियों को उन्होंने गुमराह किया, अधिकारी उसी में बह गए। सर, जाते जाते आपने कहा था कि ये मलाफाइड इंटेंशन है और ये पूरी, मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, मलाफाइड इंटेंशन है। गलत तरीका, वो तो था ही, तरीका ही गलत था। उसके बाद क्या, जो मैं कहा उसमें कुछ गलत निकला? अभी आप देखिए, अगर उस जिस विभाग का काम चल रहा हो उसका एक्शन अगर कह रहा हो कि काम ठीक नहीं चल रहा है, क्वालिटी युक्त काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब जो मैं कह रहा, जो मैंने इश्यू रेज किए थे वो सही थे। मैं वही बात उस समय भी कहा था, वही मैं अभी भी कह रहा हूँ। इस बाबत कोर्ट में भी कुछ माह पहले एफिडेविट दी गई थी कि सब चीज जो है ठीक है। जी जी, पीआईएल कायम हुई है, उसमें कोर्ट में पीआईएल कायम हुई है। और ठीक, हमारी अरेस्टिंग के कुछ दिन पहले वही एक्सीएन दिखा था कि सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारी गिरफ्तारी, जब वो मामला पॉलिटिसाइज हो गया, क्या पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो उसने तुरंत जो है अपने फेस सेविंग करने के लिए उसने लिखा पढ़ी करके उसका यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया। मल्हनी उपचुनाव बाहर है, देखिए हमारी पार्टी ने दावेदारी की है। देखिए, पार्टी को अगर सीट मिलती है, पार्टी किसको लड़ाती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी तय करेंगे।